तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑलमोस्ट मैंने 1.5 महीने के बाद हाथ में कैमरा लिया वीडियो शूट करने के लिए। मैंने 2-3 वीडियोस डाले बट ऑलरेडी वो उदयपुर और जो हमारा माउंट आबू की ट्रिप थी उनका वीडियो शूट करके डाला। सो इट्स फील्स गुड कि फाइनली मैं 1.5 महीने के बाद कैमरा अपने हाथ में उठा रहा हूँ। अब बोलने में भी फंबल हो रहा है, अभी इतने टाइम से मैंने कैमरे के सामने ऐसा बोला नहीं है। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो है द मिडास रिसोर्ट, जो कि गांधीनगर जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कुछ 90 किलोमीटर दूर है और ये हमारा वीकेंड गेटअवे है। हम यहाँ पे आए अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। हम लोग जस्ट यहाँ पे एंटर किए और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा है रिसोर्ट, कौन सा हमारा रूम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है और उसके साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाय द वे हम 3 लोग आए और यहाँ पे हमें 3 लोगों के लिए जो पड़ा है रेट वो है 13,000 फॉर अ नाइट। उसमें ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब इंक्लूडेड है, एक्टिविटीज़ भी जितनी है व्लॉग में आपको दिखाऊंगा वो सभी इंक्लूडेड है इसमें विथ GST एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड करते हैं रूम टूर। सो यहाँ पे एंटर होते सबसे पहले मिलता है आपको ये इतना मस्त प्लश ग्रीन गार्डन, ये सेंटर स्टेज है और यहाँ पे जो सुपर डिलक्स रूम्स है वो है हमारा रूम है 302 सामने की तरफ। सो लेट्स गो एंड लेट मी गिव यू अ रूम टूर। This is our room 302। ये 3 लोगों के लिए कमरा है। यहाँ पे आपको 8x8 का बेड मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे डबल बेड है, सामने मिरर, टीवी। यहाँ से एक व्यू है, खिड़की है बड़ी। ये आपको कबर्ड मिलता है, लेट्स सी कबर्ड के अंदर क्या क्या है। ओके, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको कबर्ड के अंदर, अनफॉर्चुनेटली नहीं, कॉफ़ी मशीन भी है यहाँ पे। अब ये देखना पड़ेगा कॉफ़ी मशीन है या फिर सिर्फ पानी गर्म होता है। मिरर सामने, एसी, यहाँ पे भी एक खिड़की है, ऐसा कुछ व्यू है। एंड दिस इज हाउ द बाथरूम इज, काफ़ी अच्छा तो लग रहा है। शावर का एरिया लुक्स गुड। अब मेरे रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ सामने की साइड तो पूरा जो ग्राउंड है आपको मिलता है। सामने एक और ग्राउंड है जहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी आगे सभी चीजें बंद है, कुछ ओपन नहीं है और यहाँ हट की तरह बनाए हुए छोटे छोटे घर हैं। और सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन के एरिया में और देखते हैं कि रिसेप्शन और फूड का एरिया है वो कैसा है। सो दिस इज़ द रिसेप्शन प्लस डाइनिंग एरिया। यहाँ पे रिसेप्शन है और ऐसा कुछ है यहाँ पे डाइनिंग एरिया। ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहीं पे सब होता है, यहाँ बैठ के कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये जो व्यू है ना, दिस इज रियली ऑसम। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं एंड दिस इज द व्यू यू गेट। जब मैंने यहाँ पे पूछा था तब बोला था कि ये जो कमरा है ये एडवेंचर करने के बाद स्टे करने के लिए है, नाइट स्टे करने के लिए नहीं है। सो दिस इज़ द वन काइंड ऑफ रूम। ये दूसरे टाइप के रूम्स हैं छोटे वाले जो 2 लोगों के लिए सही रहते हैं। हमने जो बुक करवाया है वो सुपर डिलक्स है, तो उसमें एक डबल बेड है और साथ में एक सोफ़ा है, तो 3 लोग आराम से रह सकते हैं। ये वाले जो रूम्स हैं वो सिर्फ डबल बेड के साथ आते हैं, तो उसमें 2 लोग ही रह सकते हैं। बाहर की तरफ पूरा यहाँ पे गार्डन है। सामने यहाँ पे पार्किंग है और वहाँ की तरफ हमारा रूम है। ये जो सामने दिख रहा है आपको वो सुपर डिलक्स रूम है, तो 3 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे रह सकता है आराम से। ये बीच में एक लाइव स्टेज है, तो नाइट परफॉर्मेंसेस होती है, लाइव म्यूज़िक होता है यहाँ पे। अगर आज सैटरडे है, उन्होंने बोला है मुझे कि लाइव म्यूज़िक होगा, तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा।
और यहाँ पे उसके साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो हम शाम को जाएंगे 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल भी है, एक इन्फिनिट स्विमिंग पूल है और एक बच्चों के लिए, तो चलते देखते हैं कैसा स्विमिंग पूल। यहाँ स्विमिंग पूल के पास भी बैठने की जगह है और ये है चिल्ड्रन के लिए स्विमिंग पूल, और वहाँ पीछे की तरफ है इन्फिनिट स्विमिंग पूल। यहाँ पे चेंज रूम्स है और ये है आपका इन्फिनिटी स्विमिंग पूल। जस्ट लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल है, और ये व्यू मजा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है ग्राउंड पूरा, जहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल या ऐसा कुछ खेल सकते हैं अगर आप घर से लेके आए तो। तो अभी हम लोग 1:30 बजे लंच करने के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे शायद हम लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे। उसके बाद हमारा जो प्लान है वो है कि शाम को यहाँ पे टी के साथ कुछ स्नैक्स है 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो ये है कि 6 बजे यहाँ से सफारी, जीप सफारी निकलती है, वो आपको सनसेट पॉइंट लेके जाएगी, और थोड़ा सा जीप सफारी का जो एडवेंचर होता है वो 7-8 किलोमीटर का, वो भी एक प्लान में है, तो वो होगा। फिर रात को जो मैंने आपको स्टेज दिखाया वहाँ पे कोई लाइव प्रोग्राम होगा, अगर वो होगा तो सब चीज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। उसके साथ साथ कल सुबह एडवेंचर पार्क जाना है, इन लोगों ने खुद का बनाया हुआ एडवेंचर पार्क है, जहाँ पे जो खतरों के खिलाड़ी टाइप का जो पूरा सेटअप होता है वो है, ऐसा मुझे बोला गया, मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह जाएंगे बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नया हो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा।